जी K4, आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। लेक्चर नंबर हमारा आज का है 42। आज के लेक्चर में हमने कल प्रैक्टिस क्वेश्चन की डिस्कशन कर रहे थे, कुछ क्वेश्चन हमारे रह गए थे, आज हम उन प्रैक्टिस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद चैप्टर 9 के एमसीक्यू उसको डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही हमारा चैप्टर 9 कंप्लीट हो जाएगा, चैप्टर 9 का लास्ट लेक्चर आज। कल इंशाल्लाह चैप्टर 10 स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चंस हमने 23 तक कर लिए थे, अभी वाला क्वेश्चन डिस्कस हो गया था ना, आबिद वाला क्वेश्चन करना है, चले कर लेते हैं पहले, फिर चेक कर लें। बिलाल वाला क्वेश्चन हो गया था 20। अबे टुक ए शॉप ऑन रेंट फ्रॉम हामिद एंड पेड 1 month रेंट इन एडवांस। हामिद कुड नॉट गिव पोजेशन ऑफ द शॉप टू आबिद। 1 महीने का एडवांस रेंट पे कर दिया लेकिन शॉप की पोजेशन नहीं दे सका। आबिद चूज टू डू नो बिजनेस फॉर 8 months दो देर वर अदर शॉप्स अवेलेबल इन द विसिनिटी। दूसरी शॉप्स भी अवेलेबल थी जिनको रेंट पे लेके बिजनेस शुरू किया जा सकता था। आबिद ने कहा नहीं, मैं तो घर में फारग बैठूंगा और फिर ये कहूंगा कि इसने मुझे शॉप नहीं दी एग्रीमेंट करने के बावजूद भी, इसीलिए मेरा जो बिजनेस ना चलाने की वजह से नुकसान हुआ है, लॉस, वो मैं इसे क्लेम करूं। आबिद चूज नॉट टू डू बिजनेस फॉर 8 months दो देर वर अदर शॉप्स विल। आबिद सूड हामिद फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड क्लेम डैमेजेस फॉर लॉस सफर्ड। हाउ मच कैन ही रिकवर। कितना रिकवर कर सकता है? एडवांस पे किया है वो रिकवर। क्या जो दुकान बंद होने की वजह से जो प्रॉफिट उसको होता अगर वो दुकान खोलता, वो रिकवर कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता? अच्छा, ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी डैमेजेस भी रिकवर नहीं कर सकता क्या? नॉर्मल हालात में तो ऑर्डिनरी डैमेजेस क्लेम कर सकते होते हैं पार्टी, लेकिन यहाँ पे इसका अपना कसूर है। हालांकि मार्केट में और भी शॉप्स थी लेकिन जानबूझ के इसने वेट किया, तो इसमें ऑर्डिनरी डैमेजेस भी इसका अपना कसूर है। तो हमारा रूल पढ़ा हुआ ना, इसमें कौन सा कंसेप्ट रेलिवेंट है कि अग्रीड पार्टी शुड ट्राई टू मिनिमाइज द लॉस। इसने उस लॉस को मिनिमाइज करने की कोशिश नहीं की, तो ये फॉल्ट हामिद का नहीं है बल्कि आबिद का समझा जाएगा, इसलिए कोई डैमेजेस अलाउ नहीं किए जाएंगे। हाँ, जो एडवांस दिया है वो रिपे होगा। 23 क्लियर? स्पेशल डैमेजेस ऑर्डिनरी भी नहीं होंगे, स्पेशल तो है ही नहीं, ऑर्डिनरी भी नहीं होंगे क्योंकि उसे मिनिमाइज करने की कोशिश करनी चाहिए थी जो उसने नहीं किया, सिर्फ रेस्टिट्यूशन। आसफा सिंगर कॉन्टेक्ट विद बहजाद द मैनेजर ऑफ थिएटर टू सिंग एट हिज थिएटर फॉर 2 nights इन एवरी वीक ड्यूरिंग द नेक्स्ट 2 months एंड बहजाद इंगेजेस टू पे हर ₹100,000 फॉर ईच नाइट्स परफॉर्मेंस। इस तरह की केस स्टडी हमने पहले भी पढ़ी, लेकिन अब देखते हैं कि वो किस एंगल से सॉल्व करवा रहा है। कभी वो केस स्टडी आसफा के एंगल से सॉल्व करवाता है, कभी बहजाद के एंगल से, कभी वो सिर्फ इतना पूछता है कि कॉन्ट्रैक्ट का स्टेटस क्या है, वॉइडेबल है, वैलिड है, कभी डैमेजेस के बारे में भी पूछ रहता है। तो इस केस स्टडी को वो डिफरेंट एंगल से पूछ सकता है, उसने डिफरेंट टॉपिक में डिफरेंट एंगल से पूछा है। अब देखते हैं क्या पूछना चाह रहा है वो। कह रहा है 6 nights आसफा विलफुली एब्सेंट हरसेल्फ फ्रॉम द थिएटर एंड बहजाद इन कॉन्सिक्वेंसेस रिसिंड्स द कॉन्ट्रैक्ट। कैन बहजाद क्लेम एनी डैमेजेस। यानी पहली चीज उसने बहजाद के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा है और दूसरा डैमेजेस के पॉइंट, क्या बहजाद डैमेजेस क्लेम कर सकता है? क्या बहजाद कर सकता? अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल था। क्यों वाइडेबल था बहजाद के लिए? क्योंकि विलफुली एब्सेंट किया, और जब कोई ड्यू डेट पे कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म ना किया जाए और टाइम एसेंस हो तो वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल है एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीड पार्टी। कैसे पता चला इस कॉन्ट्रैक्ट में टाइम एसेंस था? गुड एंड सर्विसेज के कॉन्ट्रैक्ट में टाइम एसेंस होता है, इसीलिए इसको रिसेंट कर सकता था। रिसेंट कर सकता था कि नहीं? बहजाद कर सकता था, रिसेंट कर दिया उसने। अब बताइए बहजाद डैमेजेस क्लेम कर सकता है? यस, कर सकता है। रीजनेबल लॉस रिकवर करवा सकता है उससे, रीजनेबल लॉस, क्योंकि इसमें मार्केट प्राइस कोई नहीं है ना, तो मार्केट प्राइस तो नहीं लिख सकते, ठीक है? सर्विसेज की नॉर्मली मार्केट प्राइस नहीं होती, ठीक है? सर्विसेज की नॉर्मली, तो इसमें रीजनेबल लॉस। क्लियर? अगर ये आसफा के एंगल से उसने पूछा होता, उससे कोई राइट है तो क्या उसके राइट थे कोई? क्या प्रीवियस परफॉर्मेंस के कंपनसेशन क्लेम कर सकती है? इस राइट को क्या नाम देते हैं? क्वांटम में रूट। ये केस क्लियर? कोई प्रॉब्लम इसमें? हाइब्रिड वालों को कोई प्रॉब्लम? कि भाई जिनके पास माइक है वो थोड़ा सा आगे आके बैठ जाए, स्टूडेंट भी आगे आगे हो गए ताकि गैप कम हो, किसी ने क्वेश्चन पूछना हो ना तो फौरी तौर पे पूछ सके। जी नेक्स्ट 25। ये 500 रुपए का क्वेश्चन बहुत अहम क्वेश्चन है, इसमें भी ऑर्डिनरी और स्पेशल डैमेजेस दोनों इकट्ठे हैं। कह रहा स्लीम एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द परचेज ऑफ 5 vehicles फ्रॉम पी लिमिटेड पीएल व्हिच वर टू बी डिलीवर्ड इन द मंथ ऑफ फरवरी। सलीम ऑल्सो एंटर्ड इंटू अनदर कॉन्ट्रैक्ट फॉर ऑनवर्ड सेल ऑफ दीज व्हीकल्स टू जब्बार लिमिटेड। उसने आगे भी, यानी सलीम ने
टीएल से खरीद के जेएल को बेचने थे व्हीकल्स। सलीम ने दो एग्रीमेंट किए, एक एग्रीमेंट किसके साथ किया? टीएल के साथ बाइंग का, एक एग्रीमेंट किसके साथ किया? जेएल के साथ सेल करने का। फिर क्या हुआ? हर पीएल रिफ्यूज टू डिलीवर द व्हीकल एज कॉन्ट्रैक्टेड, लेकिन पीएल ने रिफ्यूज कर दिया, उसने कहा मैं कोई व्हीकल डिलीवर नहीं करूंगा। सलीम हैड टू बाय द व्हीकल फ्रॉम अनदर सप्लायर एट एन एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ रुपीज 2 मिलियन फॉर सप्लाइंग दीज टू जेएल। सलीम को मार्केट से 2 मिलियन एक्स्ट्रा पे करके, 2 मिलियन एक्स्ट्रा पे करके ये चीजें खरीदनी पड़ी। सलीम आल्सो हैड टू पे कंपनसेशन ऑफ रुपीज 0.6 मिलियन टू जेएल ड्यू टू डिले इन सप्लाई। सप्लाई में डिले की वजह से उसे 0.6 मिलियन भी पे करना पड़ा। अब बताइए इसमें ऑर्डिनरी डैमेजेस कौन से हैं भला? तो जो मार्केट प्राइस और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का फर्क है, और स्पेशल डैमेजेस कौन से हैं? 0.6 मिलियन जो उसे किसी दूसरे ऑनवर्ड कॉन्ट्रैक्ट पे लॉस हुआ इस ब्रीच की वजह से, एक कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच की वजह से किसी दूसरे कॉन्ट्रैक्ट पे लॉस हो, स्पेशल डैमेजेस। अब बताइए 2 मिलियन पे होंगे कि नहीं होंगे? क्योंकि ऑर्डिनरी डैमेजेस है, ऑर्डिनरी डैमेजेस तो हर सूरत में पे होते हैं। स्पेशल डैमेजेस 0.6 मिलियन क्या ये क्लेम होंगे क्या नहीं? ये डिपेंड करता है एट टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कम्युनिकेट किया था कि नहीं किया था। क्वेश्चन को पढ़ के जरा बताएं, पूरे क्वेश्चन में कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसे पता चले कम्युनिकेट किया है कि नहीं किया? तो फिर क्या करें? दोनों लिख दें कि इफ एट टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये कम्युनिकेट किया गया था, यानी सलीम ने पीएल को ये कम्युनिकेट किया था कि वो जेएल के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो फिर ये स्पेशल डैमेजेस भी क्लेम होंगे। लेकिन अगर कम्युनिकेट नहीं किया गया था तो सिर्फ ऑर्डिनरी डैमेजेस ही क्लेम होंगे। जी समझ आती है बात? आगे चलें। नेक्स्ट 26, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल्स ऑफ डिटरमिनिंग कंपनसेशन फॉर लॉस और डैमेजेस कॉज्ड ड्यू टू ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या असूल है डैमेजेस क्लेम करने के? क्या असूल है? सबसे बड़ा असूल क्या डैमेजेस क्लेम करने का? एग्रीव्ड पार्टी को कंपनसेट करना मकसद होता है कि फॉल्टी पार्टी को पेनलाइज करना, कंपनसेट करना, ये तो पहला असूल। दूसरा असूल, ऑर्डिनरी डैमेजेस हमेशा क्लेम किए जा सकते हैं, जो कि नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट प्राइस और मार्केट प्राइस का डिफरेंस होते हैं। स्पेशल डैमेजेस उसी सूरत में क्लेम किए जा सकते हैं अगर एट टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कम्युनिकेट किए गए हों। और आखिरी असूल क्या है? आखिरी असूल क्या है? एग्रीड मिनिमाइज वाला। एग्रीड पार्टी को कोशिश करनी चाहिए कि लॉस मिनिमाइज रखे। नेक्स्ट अरसलान, अंडर ए सेल ऑफ गुडविल एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स विद बुरहान डेट इफ अरसलान प्रैक्टिसेस एज ए सर्जन विद इन पिशावर He will pay Burhan rupees 5 million. Arsalan practices as surgeon in Peshawar. How much Burhan can recover as compensation? 5 million? अच्छा, जब कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पेनल्टी कोई अमाउंट स्पेसिफाई कर दी जाए तो क्या रूल अप्लाई होता है? कि अगर अमाउंट स्पेसिफाई कर दी जाए तो ये लोअर ऑफ रीजनेबल आज स्पेसिफाइड अमाउंट, इसको कहा जाता है पेनल्टी। पेनल्टी लॉ कहता है पेनल्टी अगर तो रीजनेबल हुई ना, यानी आपने एक अंदाजा लगा के एक रीजनेबल से अमाउंट स्पेसिफाई कर दी और उतना ही लॉस हुआ तो हम उसको अलाउ कर देंगे। लेकिन अगर आपने हाई अमाउंट रख के स्पेसिफाई कर दी कि 1 लाख का लोन दिया है, डिफॉल्ट किया तो 5 लाख वापस करने पड़ेंगे, तो लॉ कहता है ये पेनल्टी रीजनेबल नहीं है। इस सूरत में क्या रूल लगेगा? रीजनेबल एट फिक्स अमाउंट विच एवर इज लोअर, नॉर्मली इसमें रीजनेबल ही होगी क्योंकि पेनल्टी असल में बढ़ा चढ़ा के फिगर कैलकुलेट की गई होती है। अगर रीजनेबल हो तो वो क्लेम भी हो जाए, ठीक है? रीजनेबल हो अमाउंट तो क्लेम हो जाए, लेकिन अगर बढ़ा चढ़ा के अमाउंट बताई गई हो वो क्लेम नहीं बल्कि एक्चुअल लॉस और स्टेटेड अमाउंट विच एवर इज लोअर क्लेम होगी। कुछ समझ आती है? 28, आजिम कॉन्ट्रैक्ट्स विद बाबर टू पे रुपीज 2 मिलियन इफ ही फेल्स टू पे बाबर रुपीज 1 मिलियन ऑन अ गिवन डे। यानी कहता है 2 मिलियन दूंगा अगर मैं तुम्हें एक दिन 1 मिलियन ना पे कर सकूं। यानी इसका मतलब ये हुआ आजम ने बाबर से 1 मिलियन लिया हुआ है और कह रहा है ड्यू डेट पे 1 मिलियन ना पे कर सका तो 2 मिलियन ले लेना, 2 मिलियन ले लेना। द डबल अमाउंट इज डिसप्रोपोर्शनेट टू द लाइकली एक्चुअल लॉस। डिसप्रोपोर्शनेट है एक्चुअल लॉस, यानी एक्चुअल लॉस कम है, स्टेटेड अमाउंट ज्यादा है। जब एक्चुअल लॉस कम हो और स्टेटेड अमाउंट ज्यादा हो उसको क्या कहते हैं? ये पेनल्टी है। पेनल्टी है। पेनल्टी की सूरत में कौन सा रूल लगेगा? लोअर ऑफ रीजनेबल
आर स्टेटेड अमाउंट विच एवर इज लो। तो अब मुझे बताइए, एग्री कर लिया है कि 1 मिलियन, अगर 1 मिलियन देना है, ड्यू डेट पे 1 मिलियन नहीं दिया तो 2 मिलियन पे किया जाएगा, एग्री कर लिया, लिख लिया, आजम फेल्स टू पे बाबर रुपीज 1 मिलियन ऑन डेट डेट, उस दिन 1 मिलियन पे नहीं किया, क्या होगा? हाउ मच कंपनसेशन कैन बी रिकवर्ड इन दिस केस, इस केस में कितनी कंपनसेशन क्लेम की जा सकती है? 1 मिलियन, गलत। 2 मिलियन, भी गलत। रीजनेबल लॉस, यानी 1 मिलियन तो करना ही करना है, उससे ऊपर भी कुछ ना कुछ डैमेजेस पे करने हैं, लेकिन वो 1 मिलियन नहीं है, वो रीजनेबल है। ऐसा थोड़ी होता है कि डिफॉल्ट किया तो डबल अमाउंट पे करनी पड़ेगी। क्लियर हुआ ये केस? समझ आया? ये डैमेजेस वाला केस था। नेक्स्ट, आजम अंडरटेक्स टू रीपे बाबर ए लोन ऑफ रुपीज 1 मिलियन, लोन ऑफ रुपीज 1 मिलियन बाय 5 equal monthly इंस्टॉलमेंट विद ए स्टिपुलेशन। स्टिपुलेशन का मतलब क्या है? कंडीशन डेट इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ एनी इंस्टॉलमेंट होल शैल बिकम ड्यू, हाउ मच कंपनसेशन कैन बी रिकवर्ड इन दिस केस। अच्छा ये चीज में रखे, नॉर्मली बैंक के साथ एग्रीमेंट करें ना तो उसमें ये लिखा होता है कि आपने 1 लाख का लोन लिया है, आपने इसको 5 equal इंस्टॉलमेंट में पे करना है, अगर पे नहीं किया ना किसी एक इंस्टॉलमेंट को तो सारे का सारा लोन इमीजिएटली पेबल होगा। इसमें इमीजिएटली पेबल होने में कोई कबाहत नहीं है, मसला किस चीज में है? एक्स्ट्रा पे करने में। अरे भाई लिया 1 लाख है, 1 मिलियन है, ठीक है, और पे कितना किया जाएगा? हाँ, तो इसमें कितनी कंपनसेशन रिकवर की? रीजनेबल अमाउंट जो होगी। लेकिन इस तरह का एक क्वेश्चन था, उसमें यह लिखा हुआ था कि 1 मिलियन लोन लिया और 2 मिलियन रीपे किया जाएगा 5 इंस्टॉलमेंट्स में, तो वो 2 मिलियन जो 1 मिलियन लेके 2 मिलियन पे किया जाएगा ना, वो वाइड है, वो वाइड है, क्योंकि वो पेनल्टी होगी। 1 मिलियन लेके 1 मिलियन ही पे करना है और इमीजिएटली पेबल है, ये वैलिड है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस सूरत में अगर डिफॉल्ट होता है तो सारी की सारी अमाउंट इमीजिएटली पेबल हो सकती है, हो सकती है। देखिए केस पूरा लिखा हुआ है ना, कोई हिस्सा रहा तो नहीं गया। अच्छा, वो अगला क्वेश्चन है, चले 30। हाँ, ये अगला क्वेश्चन आ गया, शाबाश। आजम बारोज रुपीज 1 मिलियन फ्रॉम बाबर एंड गिव्स हिम ए बॉन्ड ऑफ रुपीज 2 मिलियन, बॉन्ड मींस एग्रीमेंट, लोन एग्रीमेंट, 2 मिलियन पेबल बाय 5 yearly इंस्टॉलमेंट ऑफ रुपीज 400,000 विद ए स्टिपुलेशन डेट इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ एनी इंस्टॉलमेंट होल शैल बिकम ड्यू, हाउ मच कंपनसेशन कैन बी रिकवर्ड इन दिस केस। अब इसमें भी कंडीशन सेम है जो इमीजिएटली पेबल होगी, लेकिन अमाउंट डबल हो रही है। क्या 1 मिलियन लेके कहा जा सकता है किसी को, कोई अगर डिफॉल्ट करे तो उसे कहा जाए कि 2 मिलियन पे करो, ये तो पेनल्टी हो जाएगी। कोर्ट इसे अलाउ करेगा? कोर्ट बिल्कुल अलाउ नहीं करेगा। कोर्ट फिर क्या अलाउ करेगा? रीजनेबल अमाउंट। जो डिफॉल्ट के केस में क्या होती है, मनी के केस में क्या होती है रीजनेबल? इंटरेस्ट कुछ 6% के करीब इंटरेस्ट। लेकिन आपको बताया था ना, आपने परसेंटेज नहीं लिखनी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, ये परसेंटेज कहां लिखी हुई है? पार्टनरशिप एक्ट में। हमारे सिलेबस में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, पार्टनरशिप एक्ट है, दोनों है, दोनों। 31, आसिफ हु ओव्स मनी टू बशीर ए मनी लेंडर अंडरटेक्स टू रीपे हिम बाय डिलीवरिंग टू हिम 10 टन ऑफ ग्रेन ऑन ए सर्टेन डेट एट स्टिपुलेटेड डेट, इन द इवेंट ऑफ हिज नॉट डिलीवरी बाय द स्टिपुलेटेड डेट ही शैल बी लायबल टू डिलीवर 20 टन, हाउ मच कंपनसेशन कैन बी रिकवर्ड इन दिस केस। एग्रीमेंट हुआ 10 टन का, लेकिन कह रहा है मैं 10 टन डिलीवर ना कर पाया तो 20 टन डिलीवर करूंगा, सजा के तौर पे 10 टन और, बताइए पेनल्टी है कि नहीं है? है। तो इस सूरत में क्या कंपनसेशन मिलेगी? रीजनेबल अमाउंट। ये सारे एक ही तरह के केस स्टडीज हैं, जॉइंट पे 3-4 है कि रीजनेबल अमाउंट पे की जाएगी, पेनल्टी है। नहीं, चाहे वो बंदा खुद भी क्यों ना कह दे, इनका क्वेश्चन ये है कि सर एक बंदे ने 1 मिलियन लोन लिया और वो खुद अपनी मर्जी से कह रहा है कि अगर मैंने पे नहीं किया तो मैं 2 मिलियन पे कर दूंगा, क्या स्टिल यही कंसेप्ट, स्टिल यही कंसेप्ट अप्लाई होगा? फिर उस सूरत में भी पेनल्टी है और ये पे नहीं होगी। हर एग्रीमेंट में बंदा खुद ही एग्री कर रहा होता है, हर एग्रीमेंट में बंदा खुद ही एग्री कर रहा, तो इसी से फर्क नहीं पड़ रहा कि लेंडर ने कहा तो फिर ये कंडीशन तय पाई, कि बारोर ने अपनी मर्जी से कहा फिर ये कंडीशन तय पाई। लॉ कहता है कंडीशन कुछ भी हो वो इन्फोर्सेबल नहीं होगी अगर वो पेनल्टी है। क्लियर हुई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन, आजम गिव्स बाबर ए बॉन्ड फॉर रीपेमेंट ऑफ रुपीज 1 मिलियन विद इंटरेस्ट एट 12%, रीजनेबल लग रहा है कि 12% एट द एंड ऑफ 6, ये तो कॉन्ट्रैक्ट में आ गया। अच्छा, इसे मुझे याद है हमने केस स्टडी पढ़ी थी जिसमें
उसने कहा था कि कॉन्ट्रैक्ट पे इंटरेस्ट रेट 15% एग्री किया, और बाद में जिस बंदे ने इंटरेस्ट देना था ना उसने कोर्ट में जाके शोर मचा दिया, उसने कहा नहीं नहीं ये तो अंडी इन्फ्लुएंस के जरिए से किया गया मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट, ये तो अंडी इन्फ्लुएंस के साथ किया गया। तो बताइए क्या लेंडर में और बॉरर में अंडू इन्फ्लुएंस होता है, एज्यूम किया जाता है क्या लेंडर और बॉरर में अंडू इन्फ्लुएंस प्रिज्यूम नहीं? तो उस केस स्टडी में याद है हमने क्या कहा था, हमने कहा था इसमें अंडू इन्फ्लुएंस प्रिज्यूम नहीं किया जाएगा, वैलिड है। हाँ अगर अंडू इन्फ्लुएंस है तो फिर प्रूव करना पड़ेगा, बॉरोअर को प्रूव करना पड़ेगा। लेकिन यहां पे सिचुएशन कुछ डिफरेंट है, यहां पे अंडू इन्फ्लुएंस की तरफ नहीं लेके जा रहा, यहां पे किस तरफ लेके जा रहा है, कह रहा है विद दैट इन केस ऑफ डिफॉल्ट इंटरेस्ट शैल बी पेएबल एट द रेट ऑफ 75% फ्रॉम द डेट ऑफ डिफॉल्ट। कह रहा है 12% का रेट एग्री हुआ है लेकिन अगर पे नहीं किया ना डिफॉल्ट किया तो 12 की बजाय 75% के हिसाब से पेमेंट करनी पड़ेगी। हाउ मच कंपनसेशन कैन बी रिकवरेबल, यानी 12% ही, 75% पेएबल होगा क्या? नहीं होगा। 75% पेनल्टी है, ये पे नहीं होगी, बल्कि इसके बजाय रीजनेबल अमाउंट ही पे की जाएगी। भाई क्लियर है, समझ आई है? yes, आज आप ठंडे पड़े हुए हैं सारे, दो दिन हो गए हैं इसको, मैंने क्या करूं, मैं करवाना तो है एक एक क्वेश्चन जी। अगर मार्केट रेट 7-8% देखिए एग्री फर्स्ट टाइम कर ले जो रीजनेबल वो ठीक है, एग्री करने के बाद अगर ये लिखा डिफॉल्ट किया तो रेट बढ़ेगा वो गलत है। रेट कुछ भी हो, पहले भी रेट कुछ भी हो बाद में भी कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर एग्री किया हुआ 10% और कहा डिफॉल्ट होगा तो 15% पे किया जाएगा, ये पेनल्टी है। लेकिन अगर एग्री हुआ 20% है 20% ही पे किया जाएगा, वो नहीं है पेनल्टी। क्लियर? स्पेकुलेशन, स्पेकुलेशन क्या है? ये आपने शायद कल भी पूछा था, स्पेकुलेशन का लफ्ज यूज हुआ है कहीं? स्पेकुलेशन का कंसेप्ट कहाँ यूज हुआ है हमारा? स्टिपुलेशन है, स्टिपुलेशन का मतलब होता है कोई कंडीशन ऐड करना, स्टेटमेंट रिक्वायरमेंट होना, स्पेकुलेशन का। आप एक दफा चेक कर लें, वो स्टिपुलेशन ही है। ठीक है, हमने पेमेंट करनी थी एक बंदे को ड्यू डेट पे, हम पेमेंट करना चाह रहे हैं, वो बंदा पेमेंट नहीं ले रहा। पेमेंट डिले हो गया हमसे। अच्छा एक मिनट ठहरे, पेमेंट नहीं लेना चाह रहा वो, हम जब उसके घर में पहुंचते हैं उसको पेमेंट देने के लिए, वो कहता है घर बच्चों से जाओ, कहता है घर में नहीं है, अब डिले हो गया, क्या हम इंटरेस्ट पे करने के लिए लायबल है? नो सर, नहीं, टेंडर ऑफ मनी है, इस सूरत में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ठीक है, आगे चले। अब हमें उसे पे करना है। ठीक है, हम डिले हो गए। ठीक है, हमारी वजह से डिले होगा, अब केस में थोड़ा चेंज, अब डिले हमारी वजह से होगा। अच्छा हमारी वजह से डिले हुआ, लेकिन जिसने पैसे वापस लेने हैं वो भी नहीं पूछ रहा। मेरा क्वेश्चन यहाँ पे सिर्फ एक है, क्या हम उसे पैसे पे करने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, तो फिर इसका कसूर किसका हुआ? हमारा हुआ। इस सूरत में हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। नहीं वो तो जाहिर है, वो हर रोज थोड़ी आपको आके कहेगा कि पैसे दो, ये तो आपकी जिम्मेदारी है ना कि आपने जाके उसको ड्यू डेट पे पैसे देने हैं। ठीक है, डिफॉल्ट आपकी तरफ से हुआ जब आपने ड्यू डेट पे उसको पेमेंट नहीं किया। नॉमिनल डैमेजेस क्या होते हैं? ये पहले हमारे सिलेबस में होते थे, अब नहीं होते। कहाँ बेटा हुए एमसीक्यूज में हुए गए। नॉमिनल डैमेजेस होता है बराए नाम, बराए नाम। आपने कभी किसी केस में ये सुना अदालत ने सही तफ्तीश ना करने पर एसएचओ को सजा दी कि अदालती कार्रवाई खत्म होने तक वो खड़ा रहेगा? ये कभी बस का सजा होती है, और वैसे भी वो बेचारा खड़ा ही रहता है, सजा ना भी मिले ना फिर भी उसने खड़ा, उसके लिए कोई कुर्सी वगैरह इंतजाम नहीं होते। ये होती है अलामती सजा, इसे नॉमिनल डैमेजेस कहते हैं। बात बात ऐसा होता है किसी को डैमेजेस पे तो किए जाते हैं लेकिन 10 रुपए 50 रुपए, इन्हें कहा जाता है नॉमिनल डैमेजेस। इन्हें क्या कहा जाता है? नॉमिनल डैमेजेस। ठीक है, अगर फर्ज कीजिए एक गाड़ी चल रही है, 1 मई की खिलाफ वर्जी कर रही है, और आप क्या कर रहे हैं, हालांकि उस बिजी रोड के ऊपर ओवरहेड ब्रिज है, आप ओवरहेड ब्रिज पे जाने की बजाय सड़क के जरिए से उसको क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं, अब वो भी 1 मई की खिलाफ वर्जी कर रहा है, दोनों की टक्कर हो गई, आपने उसके खिलाफ केस फाइल कर दिया, आपने कहा सर इसने मुझे जख्मी किया है तो मेरे जितने खराजात हुए अस्पताल के इसे मुझे लेके दिए जाए, अदालत ने कहा भाईजान आपका उसका कसूर तो है, आपका भी तो उसमें कसूर है, दोनों पार्टीज का एक बराबर कसूर है, तो हम अगर उसको पेनल्टी इंपोज करेंगे तो आपको भी करेंगे, आपका भी तो फर्ज था कि आप ओवरहेड ब्रिज से जाते। ठीक है, तो इसे उसके तो इस तरह की सिचुएशन में जब नुकसान हुआ अग्रीड पार्टी का लेकिन उसमें उसका अपना भी फॉल्ट था, या उसमें दूसरी पार्टी का फॉल्ट नहीं था, अनजाने में उससे
नुकसान आपका हो गया। उस सूरत में कोर्ट सिर्फ बराए नाम डैमेजेस अलाउ करता है, इसे नॉमिनल डैमेजेस कहते हैं। इसमें हैवी पेनल्टी पे क्यों भला? क्योंकि या तो उसमें आपका भी कसूर है या उसमें उसका भी कसूर नहीं था, ठीक है। कुछ इस तरह की सिचुएशन नॉमिनल डैमेजेस कहते हैं। पहले हमारे सिलेबस में होता था, अब नहीं है। और भी डैमेजेस होते थे, एग्जाम्पली डैमेजेस, वो हमारे सिलेबस में। जी स्टार्ट करें एमसीक्यूज। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अवॉर्डिंग डैमेजेस इज टू कंपनसेट मोनेटरी लॉस ऑफ एग्री पार्टी या टू पनिश द पार्टी रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या टू ऑनर द पिटीशन ऑफ एग्रीड पार्टी या टू पुट एग्रीड पार्टी इन अ बेटर पोजीशन। नहीं, अच्छा पिटीशन क्या होती है? कोर्ट में जब कोई एप्लीकेशन फाइल की जाती है, एप्लीकेशन को लीगल लैंग्वेज में पिटीशन कहा जाता है। तो डैमेजेस का असूल क्या है? टू कंपनसेट मोनेटरी लॉस ऑफ एग्रीड पार्टी, ये पनिश करना नहीं है। करेक्ट ऑप्शन क्या हुई? ए। सेकंड, इन अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ब्रीच हुआ। जनरल रूल फॉर मेजरिंग डैमेजेस इज डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एंड मार्केट प्राइस, डिफरेंस बिटवीन परचेज प्राइस सेलिंग प्राइस, डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस मार्केट प्राइस, डिफरेंस बिटवीन कास्ट प्राइस सेलिंग प्राइस और मार्केट प्राइस। सारे क्वेश्चन हमने इसी रूल के मुताबिक किए, याद है ना। थर्ड, डैमेजेस व्हिच नेचुरली अरोज इन द यूजुअल कोर्स ऑफ थिंग्स, ऑर्डिनरी डैमेजेस, ए ऑप्शन करेक्ट। फोर, सच डैमेजेस व्हिच द पार्टीज न्यू व्हेन दे मेड द कॉन्ट्रैक्ट, एट टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो पार्टीज को पता था कि ये डैमेजेस हो सकते हैं ब्रीच की वजह से, टू बी लाइकली रिजल्ट फ्रॉम ब्रीच आर कॉल्ड स्पेशल डैमेज। ये हमें एट टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लफ्ज से पता चला, क्योंकि ये तो एट टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो बताए जाते हैं वो स्पेशल डैमेजेस का ही बताना जरूरी होता है, वरना शायद अगर ये अल्फाज ना होते तो हम ऑर्डिनरी के बारे में भी थोड़ा सोच सकते कि ये भी तो अंदाजा होता है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं करेंगे तो नुकसान हो सकता है, लेकिन एट टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से कंफर्म हो गया स्पेशल डैमेजेस। फाइव, इन केस ऑफ फिक्स्ड डैमेजेस प्रोवाइडेड इन कॉन्ट्रैक्ट, डैमेजेस फॉर एक्चुअल लॉस विल बी अवॉर्डेड, डैमेजेस फॉर एक्चुअल लॉस टू द मैक्सिमम ऑफ अमाउंट फिक्स्ड विल बी अवॉर्डेड। ये यानी एक्चुअल लॉस अगर फिक्स्ड अमाउंट से ज्यादा हो जाता है फिर एक्चुअल लॉस पे नहीं होगा, बल्कि कौन सी अमाउंट पे होगी? जो कॉन्ट्रैक्ट में फिक्स की गई, यानी बी ऑप्शन। नेक्स्ट, हाँ ये क्वेश्चन आ गया, इस ध्यान से पढ़िएगा जरा, ये अहम क्वेश्चन है, बल्कि ये छोटी सी केस स्टडी है। कह रहा है मिस्टर बी एग्री टू सप्लाई स्पेयर पार्ट ऑफ मशीन टू मिस्टर ए ऑन 5 सितंबर एट ए पर्टिकुलर प्राइस, मिस्टर बी फेल्स टू डिलीवर स्पेयर पार्ट्स ऑन ड्यू डेट, ड्यू डेट पे स्पेयर पार्ट्स उसने डिलीवर नहीं किए। देखिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनकी जो मार्केट में आप किसी दूसरे सप्लायर से ले सकते हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो मार्केट में दूसरे सप्लायर से आप नहीं ले सकते। जैसे अगर आपने कोई मशीनरी सैमसंग से खरीदी है तो उसके स्पेयर पार्ट्स आपको सैमसंग से ही मिलेंगे, उसमें कोई नोकिया का फिट नहीं कर सकते स्पेयर पार्ट, किसी दूसरे सप्लायर का नहीं। तो अगर मार्केट में कोई चीज ऐसी है जो सप्लाई करने के एग्री लेकिन वो मार्केट में मिल रही है तो रूल क्या लगेगा? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस और मार्केट प्राइस का फर्क कंपनसेशन होगी। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज है जिसकी मार्केट है ही नहीं, उसी बंदे से मिलनी है और वो सप्लाई नहीं करता, फिर मार्केट प्राइस और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का रूल नहीं लग सकता। क्यों? वो चीज मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है, फिर क्या रूल लगता भला? रीजनेबल लॉस, ये डैमेजेस के तौर पे पे होगा। क्या पे होगा भाई? ये बात समझ आ रही है? ये स्पेयर पार्ट्स का केस है। देयर इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड मिस्टर ए फाइल्ड सूट अगेंस्ट मिस्टर बी फॉर द कंपनसेशन ऑफ लॉसेस, मिस्टर ए क्लेम्ड दैट ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेयर पार्ट्स मशीन कुड नॉट फंक्शन। सो मिस्टर ए क्लेम्ड, एक दो तीन तीन चीजें क्लेम की है, आपने बताना इनमें से कौन सी वैलिड है कौन सी वैलिड नहीं। पहला, डेप्रिसिएशन ऑन मशीन, क्या ये क्लेम हो सकता है? पुर्जा मशीन में फिट नहीं हुआ, मशीन में फिट नहीं हुआ तो मशीन चलेगी नहीं। अब यहां पे एक चीज हमें रखिएगा, मार्केट प्राइस वाला रूल यहां पे नहीं लगेगा। क्यों भला? क्योंकि इसमें स्पेयर पार्ट्स की मार्केट नहीं है, उसने कोई बताया नहीं हुआ कि मार्केट प्राइस क्या है। यहां पे रूल लगेगा कि रीजनेबल लॉस जो हुआ है वो क्लेम किया जाएगा, ठीक है। अब पुर्जा फिट करने की वजह से मशीन नहीं चली, फिट करने की वजह से मशीन नहीं चली, उसकी डेप्रिसिएशन हुई, क्या ये हमारे ऑर्डिनरी डैमेजेस में आएंगे? क्या ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से नुकसान हुआ कि नहीं? डायरेक्ट उसकी वजह से नुकसान हुआ, डायरेक्ट, ठीक है। यानी ये पुर्जे का ताल्लुक, देखें पुर्जा मशीन में फिट करें तो फिर मशीन चलेगी, पुर्जा नहीं आया मशीन पे, जिस तरह का भी नुकसान हुआ वो डायरेक्ट लॉस में आएगा, ऑर्डिनरी डैमेजेस में आएगा। और इस मशीन के ना चलने की वजह से जो कॉन्ट्रैक्ट पूरे नहीं हुए आगे उनपे नुकसान हुआ है, वो स्पेशल डैमेजेस है,
ऑर्डिनरी डैमेजेस इन एनी केस अलाउ होंगे, मशीन के बंद होने की वजह से मशीन पे जो जो खर्चा आता गया वो ऑर्डिनरी डैमेजेस है, लेकिन मशीन के बंद होने की वजह से जो दूसरे कॉन्ट्रैक्ट पूरे नहीं हुए वो स्पेशल डैमेजेस हैं। दोनों में फर्क समझ आ रहा है? तो यहां पे पुर्जा सप्लाई नहीं किया था, इसकी वजह से मशीन बंद रही। जो डेप्रिसिएशन है क्या वो ऑर्डिनरी डैमेजेस में इंक्लूड किया जाएगा? क्लेम हो सकता है? अच्छा, मशीन बंद रही उसकी डेप्रिसिएशन, उसको जो वहां पे दहाड़ीदार मजदूर बिठाया था हमने मशीन को चलाने के लिए, वो भी सारा दिन आके फारिग बैठ के चला जाया करता था, उसको भी जो पैसे दिए ऑर्डिनरी डैमेजेस में है कि नहीं? क्योंकि वो भी मशीन से रिलेट कर रहे हैं, वो जो मजदूर है वो मशीन से रिलेट कर रहे हैं ना, तो वो भी स्पेयर पार्ट्स ना आने की वजह से डायरेक्टली मशीन का लॉस है, ये भी ऑर्डिनरी डैमेजेस में आएगा। उस मजदूर, हाँ, अगर उस मजदूर को आप निकाल सकते थे और नहीं निकाला, फिर ये क्लेम में शामिल नहीं होगा, फिर कोर्ट इसको अलाउ नहीं करेगी। लेकिन इस बारे में क्वेश्चन साइलेंट है, तो प्रोबेबली ये फिक्स सैलरी वाला मजदूर है, लिखा हुआ डेली, हाँ सैलरी है, बिल्कुल 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 सैलरी है ना, हाँ फिक्स एक्सपेंस सच एज सैलरी फिक्स है, तो ये फिक्स है, इसको अवॉइड नहीं कर सकते। इसको अगर मजदूर को छुट्टी भी दे देते उसके बावजूद भी उसको सैलरी देनी थी, तो ये भी डेप्रिसिएशन के साथ साथ फिक्स एक्सपेंस यानी जो सैलरी वगैरह है जो अवॉइड नहीं कर सकते आप, ये भी क्लेम में शामिल होगा। yes, ये भी होगा। और तीसरा, लॉस ऑफ प्रॉफिट ड्यू टू नॉन फंक्शन ऑफ मशीन, अगर ये कम्युनिकेट किया गया होता तो फिर होता, नहीं कम्युनिकेट किया तो ये क्लेम नहीं होगा। और बताइए क्वेश्चन को देख के, क्या कम्युनिकेट किया गया? कम्युनिकेट नहीं किया गया तो ये क्लेम, तो फिर कौन कौन सा क्लेम हो सकता है डैमेजेस? डेप्रिसिएशन और फिक्स सैलरी, क्योंकि डेप्रिसिएशन और फिक्स सैलरी वो डायरेक्टली दोनों मशीन से रिलेट कर रहे हैं, जो प्रॉफिट कॉन्ट्रैक्ट्स पूरे करने थे मशीन ने वो इनडायरेक्ट आ जाता है। नेक्स्ट, सॉरी 7, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉसेस कैन बी रिकवर्ड इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लॉसेस अराइजिंग नेचुरली फ्रॉम ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लॉसेस इन कंटेम्पलेशन ऑफ पार्टीज आफ्टर दे हैड एंटर्ड इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट के बाद तय पाए चीजें वो रिकवर नहीं हो सकती, एट टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाली रिकवर हो सकती है। लॉसेज अराइजिंग नेचुरली फ्रॉम द ब्रीच, ये तो आपको पता है ऑर्डिनरी डैमेजेस की डेफिनेशन है, ये तो क्लेम हो ही सकता था। अगर बी के साथ ये लिखा होता ना एट टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो फिर बी भी क्लेम हो सकता था। अब बी क्लेम सिर्फ ए क्लेम हो सकता है, रिमोट लॉसेज और इनडायरेक्ट लॉसेज क्लेम नहीं होंगे। करेक्ट ऑप्शन क्या हुई? ए। नेक्स्ट 8, रूल फॉर डैमेजेस इन कोजाई कॉन्ट्रैक्ट आर सेम एज दोज कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, हाँ किसी भी कॉन्ट्रैक्ट, देखिए डैमेजेस के रूल सेम है हर तरह के कॉन्ट्रैक्ट के लिए, वो चाहे कुजाई कॉन्ट्रैक्ट हो या चाहे कोई भी दूसरा कॉन्ट्रैक्ट, डैमेजेस के रूल से। इसका मतलब ये हुआ कुजाई कॉन्ट्रैक्ट में भी क्या डैमेजेस क्लेम किए जा सकते हैं? यस, किए जा सकते हैं। अब आपने सोचना नहीं है कि वो कौन सा केस होगा जिसमें क्लेम किए जा सकते हैं, बस लॉ ने कहा जा सकते हैं, वो हमारे सिलेबस में नहीं है केसेस। 9, अब ये भी छोटा सा केस है, जरा गौर से पढ़िए, मिस्टर ए एग्रीज टू सेल 200 बैग्स ऑफ शुगर टू मिस्टर बी ऑन 11 नवंबर एट रुपीज 500, एग्रीमेंट हो गया कि 500 के हिसाब से 200 बैग्स सेल किए जाएंगे, मिस्टर बी इज टू मेक पेमेंट ऑन डिलीवरी ऑफ शुगर बैग्स, पेमेंट डिलीवरी पे होगी, बिफोर द ड्यू डेट द प्राइस ऑफ शुगर हैज इंक्रीज टू रुपीज 600 पर बैग, प्राइस बढ़ गई, मिस्टर ए रिफ्यूजेस टू सप्लाई शुगर टू मिस्टर बी, मिस्टर ए ने कहा मुझे बारा नहीं खाता मैं आपको सप्लाई नहीं, क्या सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी अप्लाई होती है? नहीं होती, तो अब क्या करना पड़ेगा? डैमेजेस पे करना पड़ेंगे ए को, देयर इज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड मिस्टर बी इज नॉट एंटाइटल्ड टू क्लेम एनी अमाउंट, ये गलत है, क्लेम कर सकता है, एंटाइटल्ड टू क्लेम रुपीज 600 पर बैग, नहीं 600 में तो उसकी प्राइस भी शामिल है ओरिजिनल, वो तो सिर्फ डिफरेंस है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस और मार्केट प्राइस, एंटाइटल्ड टू क्लेम रुपीज 100 नॉट एंटाइटल्ड टू क्लेम, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। 100 क्या है बेसिकली, 500 और 600 मार्केट प्राइस कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का फर्क, टोटल डैमेजेस कितने क्लेम करेगा ये? 100 इंटू 200 ये आ जाएगा 20,000। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन, अमाउंट ऑफ डैमेजेस फिक्स बाय पार्टीज एट टाइम ऑफ मेकिंग ए कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट बाय वे ऑफ पेनल्टी, इफ जो अमाउंट फिक्स की जाती है ना, कहता है वो पेनल्टी नहीं है, अगर क्या हो, इट इज एक्स्ट्रावेगेंट एंड अनरीजनेबल अमाउंट एज कम्पेयर टू मैक्सिमम पॉसिबल लॉस डेट में राइज, अगर बहुत ज्यादा हाई अमाउंट हो तो ये पेनल्टी होगी कि नहीं होगी? पेनल्टी, तो उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है? तो ये ऑप्शन गलत। बी, द हायर इंटरेस्ट रेट हैज बीन स्टिपुलेटेड इन केस ऑफ डिफॉल्ट, अगर डिफॉल्ट के केस में कहा जाए हायर इंटरेस्ट रेट पे किया जाएगा, ये पेनल्टी है?
बिल्कुल है, इसका मतलब ये भी हमने सेलेक्ट नहीं करना, हम वो ढूंढ रहे जो पेनल्टी नहीं है। द ब्रीच कंसिस्ट ऑफ नॉट पेइंग ए सम ऑफ मनी एंड अमाउंट फिक्स इज डबल द अमाउंट ऑफ दैट सम ऑफ मनी, ये भी पेनल्टी। डी द अमाउंट इज जेन्युइन प्री एस्टिमेट ऑफ द प्रोबेबल लॉस, जेन्युइन प्री एस्टिमेट ऑफ द प्रोबेबल। अच्छा है वैसे ये भी, चूंकि कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफाई कर दिया ना, तो इसके लिए नाम, इसके लिए भी पेनल्टी यूज किया जाएगा, लेकिन इसकी इसमें और बाकियों में क्या फर्क है? ये रीजनेबल, ये कोर्ट अलाउ करेगा। अगर आपने रीजनेबल एस्टिमेट करके इंक्लूड किया गया, इसको कोड अलाउ करेगा, ए बी सी को अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि ये रीजनेबल नहीं है। समझ आई? 11 इन केस ऑफ ब्रीच फुल अमाउंट इज स्टिपुलेटेड इन द कॉन्ट्रैक्ट, इन केस ऑफ ब्रीच फुल अमाउंट इज टू बी पेड एज स्टिपुलेटेड इन द कॉन्ट्रैक्ट इफ, यानी ब्रीच में ऐसा भी केस हो सकता है कि जब जो फुल अमाउंट कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफाई की गई है डैमेजेस वो पेबल होगी, कब ऐसा हो सकता है? अमाउंट रिलेट्स टू बॉन्ड गिवन बाय पाकिस्तानी सिटीजन टू अनदर, नहीं, अमाउंट रिलेट्स टू रिकॉग्निशन, ये पता नहीं क्या है। द अमाउंट इज बाय वे ऑफ पेनल्टी, नहीं, जो पेनल्टी हो तो फिर फुल अमाउंट पे होगी जो लिखी हुई, ऐसे होगा क्या? अगर पेनल्टी हो, मेंशन लिखी गई हो, पेनल्टी का मतलब क्या है? वो बड़ी से बड़ी अमाउंट लिख दी आपने, तो क्या जो अमाउंट लिखी है वो फुल पेबल होगी? नहीं, अमाउंट इज नॉट बाय वे ऑफ पेनल्टी, ये करेक्ट ऑप्शन है। आई कैप की बुक में शायद बी लिखी हुई है, ये हमने भी लिख दी, लेकिन असल में एक ऑप्शन इसको ठीक कर लिए, कौन सी है? डी ऑप्शन, कि अगर जो अमाउंट आप कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफाई करते हैं कि एट टाइम ऑफ पे की जाएगी, अगर ये अमाउंट पेनल्टी है तो पे नहीं होगी, अगर पेनल्टी नहीं है, पेनल्टी ना होने का मतलब क्या है? कि एक फेयर एस्टिमेट किया गया नुकसान का, फिर जो अमाउंट लिखी है वो पे हो सकती है। 12 मिस्टर ए एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट फॉर कंस्ट्रक्टिंग हाउस, अच्छा ये अगेन ऑर्डिनरी स्पेशल दोनों का केस आ गया, है एक एमसीक्यू लेकिन छोटी सी केस स्टडी है। मिस्टर ए एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट फॉर कंस्ट्रक्टिंग हाउस फॉर मिस्टर बी एंड टू गिव कंप्लीट पोजेशन ऑन 1st January, उसे क्या कंप्लीट पोजेशन 1st January को दूंगा। मिस्टर बी मेक्स एन एग्रीमेंट विद मिस्टर सी फॉर रेंटिंग आउट दैट हाउस टू हिम फ्रॉम 2nd January, मिस्टर बी ने आगे सी के साथ एग्रीमेंट कर लिया, ए से घर बनवाना है और आगे सी को रेंट आउट करना। This fact is in the knowledge of Mr. A. Special damages allow हो गए। The house was badly constructed and collapsed before 1st January. Mr. B is entitled to get compensation for. Collapse हो गया घर, अब Mr. B को कौन सी compensation मिलेगी? Cost of reconstructing the house, ये मिलेंगे। ये तो ordinary damage है। Loss of rent, ये लेकिन चूंकि communicate किया गया था मिलेंगे। और कंपनसेशन विच मिस्टर बी वाज टू पे मिस्टर सी फॉर नॉट रेंटिंग आउट द हाउस, ये भी अलाउ, ये भी स्पेशल डैमेजेस है, लेकिन चूंकि टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कम्युनिकेट कर दिया गया था, ये भी अलाउ होंगे। तो करेक्ट ऑप्शन हमारी क्या हुई? डी, ऑल ऑफ द अबव। क्या क्वेश्चन ये है? क्या पेनल्टी किसी भी केस में अलाउड नहीं होगी? एक केस में अलाउड हो सकती है, अगर वो रीजनेबल हो, फेयर एस्टिमेट हो, फिर आपने हालांकि कॉन्ट्रैक्ट में अमाउंट स्पेसिफाई की भी होती है, लेकिन ना कहता है ये हम इसको फिर पेनल्टी के तौर पे ट्रीट नहीं करेंगे और इस अमाउंट को, क्योंकि ये रीजनेबल एस्टिमेट है ना, यू समझ लीजिए यही एक्चुअल लॉस है, यही एक्चुअल कि जैसे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है, अगर आपने ड्यू डेट के ऊपर लोन रीपे नहीं किया तो आप 8% पर एनम के लिहाज से इंटरेस्ट पे करेंगे, अब ये रीजनेबल है, डिफॉल्ट किया तो 8% के लिहाज से, कोर्ट इसमें क्या करेगा? 8% अलाउ कर देगा, कोर्ट ये नहीं कहेगा ये पेनल्टी और कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करना, रीजनेबल इसको पे करें। आपके टर्म टेस्ट, अच्छा ये समझ आ गया चैप्टर कंप्लीट, नेक्स्ट आज नहीं स्टार्ट करना, नेक्स्ट चैप्टर, चलिए कल फ्रेश माइंड के साथ फ्रेश चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। टर्म क्या पूछा आपने? असेसमेंट टेस्ट, टर्म टेस्ट का सिलेबस, वो टर्म टेस्ट अनाउंस हो गए, कब होंगे आपके? नेक्स्ट वीक में उन्होंने बता दिया, अच्छा यानी नेक्स्ट वीक में जो आपको प्लान दिया गया उसमें नेक्स्ट वीक में टर्म टेस्ट है। तो हमारे जो टर्म टेस्ट होते हैं ना, उनका असूल होता है असेसमेंट टेस्ट और टर्म टेस्ट का, ये एग्रीगेट बेसिस पे होते हैं। एग्रीगेट बेसिस का मतलब है कि अब तक जितने भी टॉपिक आपने पढ़े हैं वो सारे उसमें शामिल होंगे। तो नेक्स्ट 1 वीक में जो आपका टर्म टेस्ट है उसमें चैप्टर 2 से लेके चैप्टर 9 तक सब कुछ शामिल है, चैप्टर 2 से चैप्टर 9, क्योंकि वीकली टेस्ट में और टर्म टेस्ट में ये फर्क होता है। वीकली टेस्ट सिर्फ जो ऑनगोइंग चैप्टर कंप्लीट हुआ है उसी का टेस्ट होता है, जबकि टर्म टेस्ट एग्रीगेट बेसिस। तो ये नोट कर लीजिए, आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं हम, अल्लाह हाफिज़।